अजब एक वहशते खौफे कजा है दूर तक लोगो, हिसारे मर्ग में सारी फजा है दूर तक लोगो। गली कूचों में शाहराओं पे आबादी में लरजा है, कोरोनाई तमाशा मौत की वादी में लरजा है, वादी में लरजा है, वादी में लरजा है, सारी ताकतें लरजा, समझ में कुछ नहीं आता। इलाजे गर्दिश दौरान समझ में कुछ नहीं आता। अब ऐसी बेबसी और बेकसी में कौन आएगा, बस एक दस्ते दुआ है जो हमें रास्ता दिखाएगा। चलो लोगो, दरे आले मोहम्मद पर चले लोगो, इसी जिंदा वसीले से खुदा से जिंदगी मांगे। बहुत गहरा अंधेरा है, इन्हीं से रोशनी मांगे, इन्हीं से रोशनी मांगे, इन्हीं से रोशनी मांगे। या अल्लाह, तेरे महबूब की चौखट पे आए हैं दुआ वाले, खड़े हैं इल्म के दर पर सभी मुश्किल कुशा वाले। खुदावंदा, हुई है आज मोहताज शिफा दुनिया, तुझी से मांगती है जिंदगी का रास्ता दुनिया। दिखा दे मौजजा मौला, दिखा दे रास्ता मौला, दिलों को हौसला देगा तो बस तू ही हमें देगा। खुदावंदा शिफा देगा तो। आदाब नाज़रीन, मैं ज़िशान रज़वी। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मद्देनज़र हिफाजती इख्तिताम लेते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, नेशनल लॉकडाउन का ऐलान किया गया। आज पूरे मुल्क में बंद का छठवां दिन है। आज यौम मोमिनीन भी है, ईद उल मोमिनीन भी है, आज जुमा भी है। जुमा के मौके पर अक्सर नमाज का अहतमाम किया जाता था, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की जाती थी, जुमा का अहम खुतबा भी होता था, लेकिन इस जुमा इस तरह से कुछ नहीं हुआ। मस्जिद में अजान के बाद ऐलान कर दिया गया कि अवाम नमाज अपने घरों पर अदा करें और इस वायरस को फैलने से रोके, ये वक्त का अहम तकाजा है। नाज़रीन, हम यहाँ पर निज़ामाबाद के कदीम कब्रिस्तान के पास मौजूद हैं, जहाँ पर आम तौर पर नमाज जुमा के बाद आवाम काफ़ी तादाद में आती थी, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया है। आप देखते हैं कि वाजह रहे कि अगर आप कोरोना वायरस के मर्ज से इंतकाल पाते हैं तो आपकी लाश को यहाँ पर भी दफनाया नहीं जाएगा। ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि हुकूमत अभी तक भी, दुनिया की किसी हुकूमत ने भी डेड बॉडी को अपने फैमिली के हवाले नहीं किया गया है। इसी के मद्देनज़र हुकूमत बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मौसर इकदाम ले ली जा रही है और सख्त से सख्त इकदाम ले ली जा रही है, ताकि इफेक्टिव ना करें। वाजिर है कि आज से 100 साल कबल 1820 में भी ताउन का काफ़ी ज़्यादा असर रहा। यह ताउन भी चूहों के ज़रिए आया था, जो शिपों के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होते हुए पूरी दुनिया को ताउन की चपेट में ले गया। उस वक्त भी हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ की आबादी को ये इफेक्टेड करे थे। आज भी कुछ यही हालात हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत जो आंकड़े बता रही है कि करोना वायरस से मुतासिर अफराद के, वो सही है या गलत है, लेकिन ये बीमारी का खतरा खाना काबा से मुलहका सहन मताफ और बाबे जिब्रील को बंद कर दिया गया। गो होम एंड स्टे होम, स्टे एट होम, खुद सेल्फ क्वारंटाइन करें, घर में रहें, इंशाल्लाह उस तरह जिस तरह चाइना निकला है इस मुश्किल वक्त से, हम भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अजब एक वहशते खौफे कजा है दूर तक लोगो, हिसारे मर्ग में सारी फजा है दूर तक लोगो। गली कूचों में शाहराओं पे आबादी में लरजा है, कोरोनाई तमाशा मौत की वादी में लरजा है, वादी में लरजा है, वादी में लरजा है, सारी ताकतें लरजा, समझ में कुछ नहीं आता। इलाजे गर्दिश दौरान समझ में कुछ नहीं आता। अब ऐसी बेबसी और बेकसी में कौन आएगा,
बस एक दस्ते दुआ है जो हमें रास्ता दिखाएगा। चलो लोगों, दरे आले मोहम्मद पर चले लोगों, इसी जिंदा वसीले से खुदा से जिंदगी मांगे। बहुत गहरा अंधेरा है, इन्हीं से रोशनी मांगे। या अल्लाह, तेरे महबूब की चौखट पे आए हैं दुआ वाले, खड़े हैं इल्म के दर पर सभी मुश्किल कुशा वाले। खुदावंदा, हुई है आज मोहताजे शिफा दुनिया, तुझी से मांगती है जिंदगी का रास्ता दुनिया। दिखा दे मौजजा मौला, दिखा दे रास्ता मौला, दिलों को हौसला देगा तो बस तू ही हमें देगा। खुदावंदा, शिफा देगा तो बस तू ही हमें देगा, जो तू चाहे तो एजाज़े शिफा अनमोल दे मौला, गुनाहगारों पर रहमत के दरीचे खोल दे मौला। या अल्लाह, शिफा याबी में जिनकी कोशिशें हैं हर नफस जारी, दुआगो है इन्हीं के वास्ते इंसानियत सारी। सभी इस वक्त हैं दिलसोज, मखलूक़े खुदा जो हैं वो मशरिक़ हो के मगरिब, सबके आंसू भी दुआगो हैं। या सरी अर रिजा, इग्फिर लिमन ला यम्लिकु इल्ला दुआ, फइन्नका फ़ालुल लिमा तशा। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रहु शिफा व ताअतुहु गिनन।